सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज से हमारे चैनल में होने जा रही है भाई एशिया कप के सुपर फोर की शुरुआत। एंड भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड भाई आप बताओगे भाई बाकी दो टीमें कौन से होने वाली है कमेंट सेक्शन में, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में से। तो भाई आज हम पहला मैच खेलने जा रहे हैं सुपर फोर का, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एंड भाई हम पूरा का पूरा एशिया कप करने जा रहे हैं T10 फॉर्मेट में। एंड भाई एक और बात भाई, वी आर रियली क्लोज टू 40k सब्सक्राइबर्स भाई, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो पांच जो ग्राउंड में, क्योंकि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो भाई टॉस टाइम है, इट्स बाबर आजम वर्सेस रोहित शर्मा एंड हमें पाकिस्तान कॉल फॉर हेड्स एंड हमें पाकिस्तान वॉन द टॉस। भाई ये क्या हो गया भाई, पाकिस्तान शुक्र है हमें बैटिंग ले लिया और मैं करने जा रहा हूँ बॉलिंग, क्योंकि आई लव चेसिंग। भाई चलते ग्राउंड में करते हैं बॉलिंग की शुरुआत। सो भाई पहली बॉल डालने जा रहे बुमराह सामने, फकर जमान एक स्लिप लगी हुई है और फकर जमान ने भाई क्या शुरुआत दिलाई है, पहली बॉल छह मार दिया है। सो भाई अभी तक इस ओवर में पांच बॉल में आ चुके हैं 10 रन, आखिरी बॉल लेट्स बुमराह भाई हमारे विकेट निकाल दो मेरी जान है क्या, चौका नहीं खाना था ना यार। इस ओवर में आया भाई 14 रन भाई, आउटफील्ड बहुत ठंडी है इस गेम में। सो भाई इस मोहम्मद सिराज अगेंस्ट मामू लग, लेट्स यहां पे सिराज भैया विकेट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे और पहली बॉल पे टट्टी आउटफील्ड में बॉल गई और चौका तो जाने ही नहीं वाला कि गया। बहुत ही गंदी आउटफील्ड है, लेट्स यहां पे सिराज भैया एक विकेट निकालेंगे। अरे बहुत बढ़िया, अरे कैच चेंज शामी भैया, और यहां पे क्या कैच किया शामी ने, और भाई बैटिंग करने आज के यहां पे कप्तान साहब बाबर आजम। सो भाई इट्स मोहम्मद सिराज वर्सेस बाबर आजम, यहां पे आने वाला मजा। और हमें बाबर आजम ने पहली बॉल कट मारा गैप में और बॉल जा रही बाउंड्री के पास चौके के लिए। भाई थर्ड ओवर डालने जा रहे हैं हमें मोहम्मद शामी सामने, बाबर आजम पहली बॉल पे बहुत रूम दे दिया और बाबर आजम को रूम नहीं देते यार, यहाँ पे चौका मिल गया पहली बॉल पे। भाई हमें पाकिस्तान को शुरुआत अच्छी मिल चुकी है भाई, एक विकेट हमें चाहिए, शामी निकाल सकता है, यहाँ पे सिंगल मिल गया एक और। तो भाई जड्डू इज द वन जो मेरे को लगता है भाई एशिया कप में बहुत बढ़िया करने वाला है इस बारी। तो भाई जड्डू भैया हमें बॉल करने जा रहे सामने बाबर आजम, लेट्स सी यहाँ पे बाबर आजम पहली बॉल पे यहाँ पे स्टेप आउट करते हैं और यहाँ पे छह मार दिया है बाबर आजम को। बता भाई अगर जड्डू सेट हो गया तो भाई हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो भाई लेट्स सी जड्डू भैया एक विकेट तुम भी निकाल दो भाई, कोई और तो निकाल नहीं पा रहा, बट यहाँ पे फकर जमान बोलता मेरे को भी भाई जड्डू की वेट थी छक्का मारने के लिए। तो भाई कुलदीप यादव डालने जा रहे हैं हमें फिफ्थ ओवर एंड भाई मैं कुलदीप यादव को बहुत बड़ा फैन हूँ, लेट्स सी यहाँ पे कुल भैया एक विकेट निकाल देंगे। भाई ये ना पाकिस्तान वाले मूड में नहीं है भाई विकेट देने के लिए, छक्के मारने के मूड में ही है। चार बॉले हो चुके हैं, 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में, ऑलरेडी विकेट चाहिए। अरे बढ़िया कट मार दिया भाई बाबर आजम ने, आउटफील्ड स्लो है बट चौका चल जाएगा क्योंकि भाई शॉट बहुत बढ़िया था। तो भाई बॉलिंग करवा कर देखते हैं हार्दिक पांड्या से, क्या पता भाई यही बंदा विकेट निकाल दे। तो भाई मेरे को हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीद है, यहाँ पे विकेट निकाल देगा क्या हार्दिक पांड्या, सामने फकर जमान है और यहाँ पे क्या सच में विकेट आई है भाई, यहाँ पे मुश्किल कैच है थोड़ा सा कम ऑन, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया कैच किया भाई श्रेयस अय्यर ने और बहुत बड़ी विकेट है भाई फकर जमान की। तो भाई बैटिंग करने आ चुके हैं मोहम्मद रिजवान, ही इज अ रियली गुड प्लेयर। भाई मैंने यहाँ पे हार्दिक पांड्या से बॉलिंग करवाई और भाई ने सच में विकेट निकाल दी, सामने बाबर आजम भी है, क्या इसकी विकेट भी आ रही है, अरे भाई 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 पकड़ लो कोई तो कैच यहाँ पे, रोहित शर्मा बोलते भाई मैं खुद पकड़ूंगा और भाई दो विकेट दो बॉल पे हार्दिक पांड्या ऑन हैट्रिक। सो भाई हार्दिक पांड्या ऑन हैट्रिक, सामने है मोहम्मद रिजवान, कैन वी टेक अ हैट्रिक, लेट्स सी कैन वी टेक अ हैट्रिक। और अरे तेरी भाई हैट्रिक होगी भाई यहाँ पे हार्दिक पांड्या की, भाई रिजवान को पहली बॉल पे क्यों छक्का मार रहा था मेरे को बताओ कोई, क्या ही ओवर गया भाई, पांच बॉले 3 विकेटे 2 रन और यहाँ पे क्या, नहीं आई थिंक सो आउट है, नॉट आउट है, रिव्यू ले सकते हैं बट ट्रेंड नहीं, नॉट आउट है। भाई हार्दिक ने क्या बॉलिंग किया, कुलदीप यादव तू भी विकेट निकाल दे, क्या कैच है, क्या कैच है, क्या यहाँ पे एक और विकेट है यहाँ पे, बहुत कट कर दो इसको, कट कर दो। तो भाई आखिरी बॉल है इस ओवर की, ये भी भाई बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका ओवर हमारे लिए, लेट्स सी आखिरी बॉल क्या बनेगा। और यहाँ पे इफ्तिकार है सलमान भाई ने मारा भाई छक्का, मेरे को लग रहा इफ्तिकार अहमद है बैटिंग में। तो भाई यहाँ पे हार्दिक पांडे से ओवर कंटिन्यू करवा रहे हैं, जा रहा हूँ पिछला ओवर क्या ही था भाई, हार्दिक पांडे के सामने इफ्तिकार अहमद है और इफ्तिकार अहमद नहीं इफ्तिकार चाचू बोलते हैं, अब मेरी बारी भाई छक्का मारने की, लेट्स सी यहाँ पे हार्दिक पांडे कमबैक करेगा भाई, इफ्तिकार अहमद अगर करने देगा तो जरूर करेगा, बट यहाँ पे बैक टू बैक छक्के मार दिए हैं और यहाँ पे क्या ही बॉलिंग कर दी भाई हार्दिक पांड्या ने। और यहाँ पे एक और भाई, यहाँ पे कर क्या रहा भाई इफ्तिकार अहमद मेरे को बता दो कोई तो। सो भाई 8 ओवर हो चुके हैं और 114 रन है यहाँ पे पाकिस्तान के, बुमराह यहाँ पे डालने जा रहे हैं 9th ओवर, लेट्स सी सामने इफ्तिकार अहमद पहली बॉल पे क्या बनेगा, लेट्स सी कम ऑन, बढ़िया बॉल बुमराह, यहाँ पे सिंगल मिल गया पहली बॉल पे, भाई अभी तक तो ये ओवर अच्छा गया भाई, 3 बॉल पे 3 सिंगल ही है, लेट्स सी बुमराह यहाँ पे एक विकेट निकाल दे भैया, विकेट का है भाई चौका खाने जा रहा है बुमराह भी यहाँ पे, 8 बॉले पड़ी है, लेट्स सी यहाँ पे बढ़िया शॉट है गैप में भी है, आउटफील्ड स्लो है तो चौका तो नहीं जाने वाला बट गया है यहाँ पे। और भाई आखिरी ओवर में डलवाने जा रहा हूँ भाई मोहम्मद शामी से, शामी भैया विकेट निकालो, शामी भैया कम बैक करेंगे, बढ़िया वाली विकेट निकालनी है यहाँ पे यार शामी,
क्या कर रहे हो भाई जामी भैया, आप भी छक्का खा रहे हो यहाँ पे क्या भाई? मतलब आज तो सच में भाई किस्मत बहुत ही ज्यादा बेकार है। और यहाँ पे भाई कौन सी बॉल डालूं यहाँ पे मैं, एक तो साला ग्राउंड ही बहुत छोटा है। शामी पिट चुके इस ओवर में। शामी भैया आपकी बारी विकेट निकालने की। शामी भैया विकेट निकाले 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 निकाले, कर ला मामा कैच, बढ़िया भाई फाइन लिया विकेट। सो भाई आखिरी बॉल डालने जा रहे हैं हमारे मोहम्मद शामी, 144 रन से। और यहाँ पे नहीं नॉट आउट नहीं है, हाइट है, रिव्यू लेके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला मैं भाई। टारगेट हमें मिल चुका है हमें 145 रन का भाई, टारगेट बहुत मुश्किल होने वाला है। तो भाई चलते ग्राउंड में, देखते हैं क्या हम ये चेस कर पाएंगे या नहीं। तो भाई चेस करने आ चुके हैं रोहित शर्मा के साथ ईशांत किशन, एंड भाई वहां से बॉलिंग करेंगे भाई शाहीन शाह अफरीदी। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा भाई, 145 रन चाहिए, क्या बॉल थी भाई ये। तो भाई पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक तो बहुत ही बढ़िया, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रॉफ, साथ में भाई नसीम शाह भी है। और यहाँ पे शॉर्ट बॉल नहीं डालनी थी बट आउटफील्ड बहुत स्लो है, तो यहाँ पे मैं तीन भाग सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं दो मिलेंगे। और भाई नसीम शाह डालने जा रहे हैं दूसरा ओवर भाई, क्या बॉलिंग अटैक भाई पाकिस्तान का भाई, रिक्वायर्ड रन रेट 15 से ऊपर गए। ईशान किशन को भाई पहली बॉल से हिट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया हिट किया, गुड टाइमिंग के साथ यहाँ पे जाएगा वन बाउंस एंड चौका भाई, यहाँ पे पेलना पड़ेगा भाई। वैसे ही ओपनिंग जोड़ी बढ़िया है भाई, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन हमेशा से ही बढ़िया होता है। और यहाँ पे ईशान किशन की अर्ली टाइमिंग हो चुकी है, कोई प्लेयर आ चुका नीचे बहुत दूर से भाग के, और यहाँ पे कैच कर लिया है भाई, द चेस मास्टर इज हियर भाई, इस बार तो चेस भी बहुत बड़ी है। रोहित भैया आप अटैक कर सकते हो मेरे को लग रहा है, और आप अटैक कर दोगे, बहुत बढ़िया शॉट मारा और चौके के लिए जाएगा भाई। इस ग्राउंड के ऊपर हम टाइमिंग के ऊपर नहीं रह सकते भाई, हमें हिटिंग करनी पड़ेगी और हमें पावर भी दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉट चौका जाएगा भाई। हारिस रॉफ डालने जा रहे हैं हमें तीसरा ओवर भाई, हारिस रॉफ डालने जा रहे हैं तीसरा ओवर, सामने विराट किंग कोहली है, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। बाउंसर थी और यहाँ पे अच्छा खेल दिया भाई यहाँ पे, और चौका जाएगा, दैट वाज रियली गुड शॉट भाई। हारिस रॉफ को पहली बॉल पे चौका आया, तो उसके बाद क्या ही बॉलिंग की अभी तक इस ओवर में भाई, 5, 6, 6, 6 और यहाँ पे चौके के साथ इस ओवर में 10 रन आ गए, बढ़िया। तो भाई तीन ओवर के बाद 28 पे वन आउट, और यहाँ पे नसीम शाह अपना ओवर खत्म करने जा रहे हैं। सामने हमारे रोहित शर्मा जिसने ओवर दी कवर्स निकाल दिया, वन बाउंस एंड चौका भाई। जब तक मेरे पास विराट एंड रोहित है तो भाई मैं उम्मीद रख सकता हूँ ये चेस करने की। और यहाँ पे शॉर्ट बॉल डाल दी भाई, प्लेयर वहां पे कैच हो गया, नसीम शाह ने भाई बहुत बड़ी विकेट निकाली यहाँ पे रोहित भाई की हमारे। तो भाई अय्यर वर्सेस नसीम शाह, आखिरी बॉल नसीम शाह के ओवर की, और यहाँ पे एक और बाउंसर, यहाँ पे फाइन खेल दिया है, चौका चल जा भाई, चल जा यार, चल गया है फाइनली। एक्सपेंसिव ओवर था बट बड़ी विकेट गई है वहाँ पे रोहित शर्मा की। और यहाँ पे स्पिनर उस्माना मेरी से टू बॉल भाई, 102 रन चाहिए 36 बॉल में, बहुत ही ज्यादा मुश्किल चेज है। बट यहाँ पे विराट किंग कोहली है ना जब तक मेरे पास, तो भाई चेस ऑन है। तो भाई शुरुआत तो इस ओवर की बहुत बढ़िया हो चुकी है, एंड यहाँ पे विराट किंग कोहली को भाई बिल्कुल लेग पे बॉल डाल दिया, एंड भाई ही इज रियली गुड एट लेग भाई, क्या यही ओवर है जिसको मैं बड़ा बना सकता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे बहुत बड़ा ओवर जाने वाले हैं, यहाँ पे ऑलरेडी भाई यहाँ पे 16 रन आ चुके तीन बॉलों पे। तो भाई आखिरी बॉल है इस ओवर की, एंड भाई जो बड़ा ओवर हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। आखिरी बॉल पे यहाँ पे भाई विकेट गई है अय्यर की, अय्यर का यहाँ पे कमबैक बहुत बेकार गया है भाई। यहाँ पे शिदाब खान भी बॉलिंग करने आ चुका है साथ में भाई, शिदाब खान को मारना हल्का सा मुश्किल, और शिदाब खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कट मारा है विराट किंग कोहली ने, और यहाँ पे चौका निकाला है। एंड भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई विराट कोहली से इतनी हिटिंग क्यों करवाते हो भाई, उसकी रेटिंग बहुत ऊपर है, और यहाँ पे बढ़िया शॉट मारा, चौका नहीं दो मिल जाएंगे भाई। यहाँ पे उस्माना मेरे को एक और ओवर मिल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बढ़िया शॉट मारा, बहुत बढ़िया शॉट मारा, इस बार हार्दिक पांड्या था और चौका गया भाई। अगर हमने ये चेस कर दिया ना भाई, बाय चांस मजा आने वाला है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया आइडियल टाइमिंग, और यहाँ पे वन बाउंस चौका एक और भाई, 14 रन आ चुके हैं, और मेरे को समझ नहीं आया भाई यहाँ पे उस्माना मेरे को एक ओवर क्यों मिला। ओए अच्छा बॉल यार भाई, शिदाब खान डालने जा रहे हैं 8th ओवर, सामने विराट कोहली, 57 रन चाहिए हमें, एंड विराट द किंग कोहली को भाई यहाँ पे छक्के पेलने पड़ेंगे। और भाई चौके के साथ हो चुके विराट कोहली की 52 from 22 बॉल्स भाई। विराट कोहली जब तक है मेरे पास तो भाई मैं चेज ये कर सकता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पे आउट हो गया, आई थिंक सो गया भाई। तो भाई यहाँ पे विराट कोहली 62 from 24 बोले, एंड यहाँ पे विराट कोहली ऑन फायर, आई थिंक सो अबाउट हो गया यहाँ पे विराट कोहली यार भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ द पारी 62 from 25 बॉल भाई। इसी सिचुएशन के लिए मैंने सूर्य कुमार यादव को आज का मैच खिलाया था भाई। आखिरी बॉल है, सिंगल डबल निकाल लूं, लेट्स सी। आखिरी बॉल थी यहाँ पे, और विकेट भाई, दो विकेट निकाल गया भाई यहाँ पे शिदाब खान, जाता जाता पहले विराट दूसरी हार्दिक की, एंड भाई यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी बैक टू द अटैक। सो भाई 43 रन चाहिए, 12 बोले, सामने हमारे हैं सूर्य बाबा, और सूर्य बाबा ने बहुत बढ़िया स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड मारा है, क्या यहाँ पे चौका तो नहीं जाएगा, थिंक सो रुक गया है, गया चौका, गया पहली बॉल चौका है। सो भाई पहली बॉल पे चौका आ चुका है, लेट्स सी यहाँ पे हमारे सूर्य भैया क्या ही कर पाएंगे, टाइमिंग तो बढ़िया है
ये सूर्य भाई क्या कर दिया, मैच जिता कर जाना था भाई। यहाँ पे शहीनशाह अफरीदी ने क्या ही ओवर डाला भाई, कम से कम दो चौके हमें चाहिए, बट यहाँ पे भाई शहीनशाह अफरीदी ने क्या ही ओवर डाल दिया है यहाँ पे। और भाई आखिरी ओवर हारिस लॉब डालने जा रहे हैं, अलग लेवल यहाँ पे, अलग लेवल बॉलिंग हुई है यहाँ पे। फाइनली जडेजा ने कनेक्शन किया है और यहाँ पे कैच किया भाई, आइडियल टाइमिंग, आइडियल फुटवर्क, आइडियल शॉट चॉइस और 30 यार्ड में कैच हो गया भाई। भाई हारिस लॉब ने क्या ही बॉलिंग किया भाई इस ओवर में, एक रन आउट और यहाँ पे शॉट मारा भाई कुल्लू भैया ने। भाई आखिरी बॉल डालने जा रहे हारिस लॉब सामने शामी भैया है और शामी भैया ने फाइनली चौका निकाल दिया है आखिरी ओवर में। और भाई पाकिस्तान रियली बोल्ड वेल, बट उनके स्कोर ही बहुत ज्यादा थे भाई, जो कि चेज करना मुश्किल था। और पाकिस्तान वन बाई 28 रन भाई, सुपर फोर की शुरुआत क्या ही हो चुकी है। एंड भाई आज का मैच मेरे को बता भाई इंडिया फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा नाराज भरा होगा, कोई बात नहीं भाई, हम एक बार फिर से मिलेंगे पाकिस्तान को फाइनल्स में जाके। एंड भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ बहुत ही यार जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।